अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टेस्टी आलू पोहा की रेसिपी। ये बहुत ही इजी इवनिंग स्नैक है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हम पोहा को अच्छे से धो लेंगे। ज़्यादा देर इसको नहीं धोना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। पानी डालकर एक बार इसको हटा लेना है। अब हमें चाहिए आधा नींबू, और नींबू के रस हम इस तरह से पोहा के ऊपर डाल देंगे। और 1 टीस्पून हल्दी, हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से सोख ले। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने दें, और उसमें डाल दें फॉर्चून ऑयल। सरसों ऑयल नहीं डालना है फ्रेंड्स, इसमें फॉर्चून ऑयल ही लगेगा। और अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। मूंगफली को डालकर हल्का सा रोस्ट कर लें। इसे हल्का ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। और अब हम लेंगे ऑयल और उसमें डालेंगे राई फोरन आने के लिए। अब हम इसमें कटा हुआ बारीक प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का ही लाल करना है। ज़्यादा लाल हो जाने से पोहा भी लाल लाल टाइप का लगने लगता है, तो इसे हल्का ही लाल करें। और इसमें अब हम हरी मिर्च डाल देंगे कटा हुआ। ये देखिए, बस इस तरह ही हमें प्याज को रखना है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ आलू डाल देंगे। आलू को इस साइज का हमें काटना है, ताकि ये जल्दी से गल जाए। और इसे अच्छे से चलाकर 10 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि आलू हल्का सा गल जाए। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब ये देखिए, अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। ये हल्का सा आलू हमारा पक गया है। अब हम इसमें कटा हुआ बारीक टमाटर डालेंगे, और इसे एक बार और फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ मूंगफली डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें पोहा डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, पोहा हमारा रेडी है। ऊपर से हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।